देखिए भैया, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो ये भाई साहब ने कहा कि जो है हमारा इधर देखिए दोस्तों, ये देखिए गाजर बहुत ही खतरनाक गाजर है। देखिए ब्लैक ब्लैक गाजर, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ये गाजर। नमस्कार, आदाब, वेलकम, सत श्री अकाल, जय भीम। दोस्तों मेरा नाम है राहुल कुमार और आप लोग देख रहे हैं कुमार राहुल ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं घर से निकला था सब्जी लेने के लिए, बाज़ार में आया था सब्जी लेने के लिए और फिर यहाँ पर देखा कि एक अम्बेडकर जी का पार्क बना है, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बनाते हैं अम्बेडकर जी पार्क में। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ अम्बेडकर जी का पार्क कितना बेहतरीन बना हुआ है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये कितना बेहतरीन जो है पार्क बना है। पार्क में भी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिस तरह से शाम होता जाएगा यहाँ पर लोग देख आते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए खूब बड़ी सी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हमारे पीछे। यहाँ पर देखिए एक लोग आए हैं जो है इलेक्ट्रीशियन है, कोई लगता है कुछ खराबी हुई है वही सही कर रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से अम्बेडकर पार्क में। यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन जो है फूल पत्ती लगाई गई हुई है और बगल बगल में पेड़ भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, ताकि मतलब गर्मियों में अच्छा लगे। अभी तो ठंड का माहौल चल रहा है फ़िलहाल, अभी यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोग को। दोस्तों ये देखिए कितना ही बेहतरीन यहाँ पर देखिए पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर देखिए अम्बेडकर जी का जो है मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं हमारे पीछे क्या लिखा हुआ है? आप लोग नहीं जानते हैं क्या लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर जब शाम होगी तब मैं आपको इसको इस बोर्ड को दिखाऊंगा कि क्या लिखा है और कितना अच्छा लिखा हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि कितना अच्छे से जो है अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाई। आइए आपको दिखाता हूँ कि मतलब यहाँ पर बगल में सब्जी मार्केट है, यहाँ पर हर प्रकार की सब्जियाँ मिल जाती हैं और कम रेट में। मतलब आपको किसी भी प्रकार की अगर सब्जी लेनी हो तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और ज़्यादा मतलब दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों यही है पार्क, देखिए अब मैं चल रहा हूँ आपको दिखाता हूँ सब्जी मार्केट में। चलिए दोस्तों हमको तो लेना है सब्जी, अब मैं चल रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। इस समय तो ठंडी का माहौल है, ठंडी में सबसे ज़्यादा सब्जियाँ जो है मटर, मटर की सब्जी लगभग सभी के घर बनती है, तो हम मुझे लेना है मटर और मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे पीछे जो देखिए फल का ठेला लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए सब्जियाँ, मतलब यहाँ पर सब्जियों का मार्केट ही है, यहाँ पर आपको हर प्रकार की सब्जियाँ मिल जाएंगी और वो भी बहुत ही कम दाम में। यहाँ पर सब्जियाँ मतलब बहुत ही हरी हरी और कम दाम में भी मिल जाती है। देखिए यहाँ पर फल का जो है दुकान है। अब देखिए दोस्तों सब्जियों की जो है दुकानें स्टार्ट हो चुकी हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जितनी भी प्रकार की मौसमी सब्जियाँ होती हैं बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और जिसमें मतलब आपको कम दाम में भी मिल जाता है। सब्जियों में इस समय तो ठंडी का मौसम है, ठंडी में तो मटर का सबसे ज़्यादा, और वैसे भी हमारे घर पर इस समय मटर की मांग है। मतलब हमें बोला गया था जाइए मटर लेते आइए एक किलो, तो मैंने मटर लेने के लिए चला हूँ। दोस्तों देखिए मैं सब्जियों की दुकान देखते देखते यहाँ पर आ गया हूँ। इस मार्केट में मुझे सबसे बड़ी सब्जी की दुकान जो है यही लग रही है। देखिए यहाँ पर हमारे पीछे देखिए कितनी बेहतरीन सब्जियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर हमें लग रहा है हर प्रकार की सब्जियाँ जो है रखी हुई हैं। देखिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी अच्छी जो है सब्जी की दुकान और बड़ी सी दुकान है सब्जी की।
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. Chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die, my dreams on tap. I'ma fly real high, you can see me. भैया मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो ये भाई साहब ने कहा कि जो है हमारा भी रिकॉर्डिंग कर लीजिए. तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए भैया भी अपने दुकान पे फल लगाए हुए हैं. यहाँ पर सेब है, संतरा है, और भैया देखिए इधर दे भी रहे हैं अपने ग्राहक को. कितने किलो सेब है भैया? 80 रुपये किलो. देखिए भैया के यहाँ 80 रुपये किलो सेब मिल रहा है. चलिए ठीक है भैया. इधर देखिए दोस्तों, ये देखिए गाजर, बहुत ही ख़तरनाक गाजर है. देखिए ब्लैक ब्लैक गाजर, इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ ये गाजर को. लेकिन खाने में लगता है बहुत मीठा होगा, सभी विटामिन इसी गाजर मुझे लग रहा है. और ये दोस्तों यही सब है यहाँ पर सब्जियों की दुकान. हम लोग को जो है सब्जी लेना होता है तो हम लोग यहीं पर आते हैं. यहाँ पर मतलब हरी हरी सब्जियाँ और वो भी सही रेट में मिल जाती हैं. और यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए हमारे पीछे यहाँ पर अमरूद भी है. इस मौसम में अमरूद भी देखिए मिल रहा है. बहुत ही अमरूद का जो है, अमरूद भी यहाँ पर मिल जाएंगे आपको बहुत ही आसानी से. यहाँ पर आपको सब्जियों के ठेले बहुत मिल जाएंगे. आप किसी भी सब्जी की दुकान से बहुत ही आसानी से सब्जी खरीद सकते हैं. दोस्तों यही सब है. देखिए यहाँ पर सब्जी दुकान, मुझे लेना है मटर, मैं भी मटर ले रहा हूँ. हाँ तो दोस्तों, मैं जहाँ से सब्ज़ी लेता हूँ उस दुकान पर आ चुका हूँ. और देखिए चाची यहाँ पर बैठी हुई हैं, और मैं मुझे मटर लेना है और मटर का दाम पूछता हूँ. मटर कैसे है चाची? 30 रुपये किलो मटर, 1 किलो दे दीजिए. देखिए मुझे 1 किलो मटर लेना है, और चाची अब जो है अपने प्यारे प्यारे हाथों से मटर दे रही हैं मुझे. और मटर की सब्ज़ी इस समय बहुत ही अच्छी लग रही है. मटर की पूरी, मटर की सब्ज़ी, ठंडी में तो हर रोज़ यही समझ लीजिए बन रहा है. और मैं यहीं से जो है सब्ज़ी ले जाता हूँ हर रोज़. देखिए यहाँ पर सभी सब्जियाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं. देखिए हरी हरी सब्जियाँ. ये देखिए हमारा एक किलो मटर हो गया है. अब ये हमारा मटर पैक हो रहा है. अब मैं इस मटर को ले जाऊँगा, उसके बाद इसका जो बनेगा. तो दोस्तों आज तो हमारी ये जो है सब्जी की खरीदारी हो गई है. अब हम लोग सब्जी लेकर चलेंगे घर. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार. तो आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा. तब तक के लिए नमस्कार.